हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 28 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। लॉर्ड कृष्ण सेड टू अर्जुन, वन हु इज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ ओ माइटी आर्म्ड does not engage himself in senses and sense gratification, knowing well the difference in work and devotion and work for fruitive results. परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वो जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में देखता है और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारणवश अध्यात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे अपने सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य और अस्थायी है। तो अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे।